देश की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले पुलिस आरक्षक को अंतिम बार अपने घर की चौखट तक जाने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि उस रास्ते को अपना बताने वाले व्यक्ति के पास कोर्ट का वो आदेश था जिसमें ये जगह उसकी है। इस रास्ते पर आए दिन विवाद होता है। पहले पूरा गांव इस रास्ते का आने जाने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन अब रास्ता निजी बताकर वहां से किसी को निकलने नहीं दिया जाता। मृतक आरक्षक के गांव के रहवासियों का कहना है कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है और जिस सड़क से हम आना जाना करते थे उस सड़क को गांव के ही व्यक्ति ने बंद करवा दिया है, जिसके बाद से हमें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रसोईया राधेनगर गांव का है, जहां दमोह जिले के हाटा में एसडीओपी की विदाई समारोह के बाद पुलिस आरक्षक राममिलन शर्मा को हार्ट अटैक आया और उनकी अस्पताल में ही मौत हो गई। अपने साथी आरक्षक की मौत की खबर लगते ही हर किसी ने सिपाही को नम आंखों से विदा किया, लेकिन जब मृतक के शव को उनके गृह निवास पर लाया गया तो मृतक आरक्षक के शव को रास्ता नसीब ना हुआ और विवाद खड़ा हो गया। रसोईया राधेनगर गांव की रहवासी अरुणा शर्मा ने बताया कि हमारे गांव में रोड नहीं है, जिस वजह से हम लोग गांव के ही भरत सिंह की जमीन से निकलते थे, लेकिन 8 महीने से भरत सिंह ने ये रोड बंद करवा दी है, जिसकी वजह से हम लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यदि कोई भी बीमार होता है तो अस्पताल भी नहीं ले जाया जा सकता है। आज भी राममिलन शर्मा के शव को नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमारी प्रशासन से मांग है कि ये रास्ता हमेशा के लिए खुलवाया जाए। स्थिति के हमारा भाई गांव परिवार का जो कि हटा में पदस्थ था, उसको रात में अटैक आ गया। इस कारण आज 8 माह से ये बंद करे हुए, कोई आदमी तबीयत खराब कछु कुछ नहीं, बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहे न जा पा रहे, आज उसकी बॉडी भी नहीं निकलने दे रहे कि बॉडी अपने गांव में आ जाए और बॉडी भी नहीं निकलने दे रहे। जी लोग जा रही है साहब के हमारे ना गांव में रोड नहीं है, हम और अनके लाने हतो हम और ऐसे निकल रहे 7 पीढ़ी से तैसे निकल रहे, 700 साल से हमारा जो गांव बस हम यही रोड से निकलत रहे। 8 महीना से जे जो भरत सिंह है इनने बिल्कुल जाम कर दिया है। आज इतनी बड़ी समस्या है हमारे गांव में के जो हमारे परिजन है राममिलन शर्मा पुलिस में थे भैया, उन आज कल उनकी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई, जो आज उनकी बॉडी आनी है आने वाली है तो जे लोग निकलन नहीं दे रहे है। हमारी आज बहुत बड़ी समस्या, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे पढ़ने नहीं जा पा रहे, हमारे बच्चन का भविष्य अंधकार में, हम बोले क्या करें, मार जाए फांसी लगा ले कहां जाए। वहीं मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस एवं राजस्व निरीक्षक की टीम ने जेसीबी ले जाकर रास्ता खुलवाया। राजस्व निरीक्षक देवेंद्र पटेल ने बताया कि रास्ता खुलवा दिया गया है, पर थोड़ी सरकार न्यायालय के आदेश से रास्ता बंद अवरुद्ध हो गया है, इसको दूसरी जगह से खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक बॉडी है उसको निकालना है तो निकल जाएगी। इसकी बॉडी है यहाँ पे रखी, यहाँ कोई शर्मा जी अभी रखी नहीं है, बॉडी आई नहीं है, बॉडी ऐसी बॉडी आ जाएगी निकल जाएगी, व्यवस्था कर ली गई है। एक लिखी महाराज है, उन्होंने कह दिया कि हमारे खेत से निकल जाएगी और न्यायालय के आदेश में चूंकि अवहेलना अपन कर नहीं सकते कुछ, इसलिए वो कुछ अलग से व्यवस्था बना दी गई, हो जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।